हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये दोनों डिफरेंसेस, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में डिफाइंड है, यानी कि सेल की डेफिनेशन और एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द सेल। जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है सेलर से बायर, यानी कि जो बेच रहा है और जो खरीदने वाला है, जब इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसे सेल कहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्टेशनरी की शॉप पर गए और जो वहां पर सेलर बैठा है उसने आपने उससे मांगा एक पेन, ठीक है, उसने आपको पेन दिया, तो ये जो आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हुआ सेल का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे हम सेल कहते हैं। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। यही पे पूरी डेफिनेशन खत्म हो गई कि ऐसा एग्रीमेंट होता है ये कि एक सर्टेन टाइम के बाद गुड्स की, यानी कि गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा बायर को एक सर्टेन टाइम के बाद। यहाँ क्या हो रहा है, इमीडिएटली सेल हो रही है, इमीडिएटली जो है वो टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बायर से सेलर की तरफ। लेकिन यहाँ पर एट अ फ्यूचर टाइम, एक सर्टेन टाइम है कोई, उस वक्त जो होगा उस वक्त पोजेशन दिया जाएगा। और सेकेंड ये है कि बायर हैज द राइट टू सेल। बायर के पास क्या है, अब बायर के पास जो भी गुड्स पहुंचने के बाद, मान लो जो गुड्स डिलीवर किए हैं सेलर ने, अब सेल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बायर के पास अब राइट है कि वो आगे सेल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर बायर के पास राइट होता है और यहाँ पर सेलर के पास राइट होता है टू सेल। Then buyer has the responsibility for loss or damage to the goods. अब जब एक बार टाइटल चला गया गुड्स का बायर के पास, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है अगर कुछ भी डैमेज होगा गुड्स पे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बायर की, ठीक है। और यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की। क्यों? क्योंकि अभी तक जो टाइटल है गुड्स का वो ट्रांसफर नहीं हुआ है बायर को, इसलिए एग्रीमेंट टू सेल में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी लॉस या डैमेज अगर होता है गुड्स को। Then the title of goods transfer to the buyer with the transfer of goods. Obviously, एक बार जब goods का transfer हो गया है तो जो title है goods का वो किसके पास चला गया, वो चला गया buyer के पास। यहाँ पर क्या होता था, title of goods remain with the seller as there is no transfer of goods. एग्रीमेंट टू सेल में जो टाइटल होता है गुड्स का वो सेलर के पास ही रहता है। क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसफर इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता ही नहीं है गुड्स, इसलिए जो टाइटल है वो सेलर के पास रहता है। तो बस यही कुछ चार डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को डेफिनेटली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।